नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचनाकारों से युवाओं को सही दिशा देने में अहम भूमिका निभाने का किया आह्वान। भारत मंडपम में 20 श्रेणियों में प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार की प्रदान। कैबिनेट के बड़े अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिलाओं को बड़ा तोहफा। उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए की सब्सिडी एक वर्ष के लिए बढ़ी। वहीं कच्चे जूट पर MSP 285 रुपए प्रति क्विंटल की गई है बढ़ोतरी। महाराष्ट्र सरकार का किसानों के लिए बड़ा फैसला। राज्य में आने वाले 3 सालों में किसानों को मिलने वाली सारी बिजली सोलर पर कर दी जाएगी ट्रांसफॉर्म। महाराष्ट्र के सोलर मॉडल को केंद्र सरकार की भी मिल रही है सराहना। मॉडल को बाकी राज्यों में भी लागू करने की है योजना। केंद्र सरकार की नल से जल योजना को मिल रही है अपार सफलता। जल शक्ति मंत्री ने कहा, इस मिशन ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 75% का आंकड़ा कर दिया है पार। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण मिल रही है सभी सरकारी योजनाओं में सफलता। और अब समाचार विस्तार से। मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर क्षेत्र में अवार्ड लक्ष्य डबास को दिया गया है। वे जैविक तरीके से खेती को लेकर वीडियो बनाते हैं। वे इसके लिए किसानों को शिक्षित भी करते हैं। वे साथ ही भारतीय नस्ल की गायों को बढ़ावा देने का काम भी करते हैं। पीएम मोदी ने लक्ष्य डबास को गुजरात राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ मिलकर जैविक खेती को लेकर बातचीत करने की बात कही। पीएम मोदी ने इस दौरान जैविक खेती को लेकर संदेश भी दिया। लोग लक्ष्य की मजाक उड़ाते होंगे, क्या यार तुम ये गाय पीछे पड़े हुए हो, उसके बाद भी वो उसको समर्पित है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग दोनों अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में शुरू में इनकम का बहुत लॉस होता है, उसके कारण कोई किसान हिम्मत नहीं करता। नेचुरल फार्मिंग में लॉस नहीं होता है और धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, एकरेज बढ़ता है। मैं चाहूंगा कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुरुवार को सरकार की ओर से कैबिनेट मीटिंग में डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। ये डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी और इसका सीधा फायदा लाखों केंद्र के मौजूदा कर्मचारियों और पेंशन धारकों को होगा। इसके अलावा सरकार ने 5 अन्य फैसलों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। कैबिनेट के करीब 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ भारत AI कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। अन्य फैसलों में कच्चे जूट पर MSP 285 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के लिए उन्नत 2024 योजना को स्वीकृति दी है और गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण देने के लिए एक नए विधेयक को लाने की मंजूरी दी है। गुरुवार को बुलाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट मीटिंग में मुख्य रूप से 6 फैसलों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया गया। डीए में सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल डीए बढ़कर 50% हो गया है। सरकार की इस घोषणा से लाखों केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो DNS अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको DNS रिलीफ मिलता है, 1 जनवरी 2024 से ये 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉयज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा। कैबिनेट मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए की सब्सिडी को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है।
जिसमें अब प्रत्येक परिवार को 12 सिलेंडर तक दिए जाएंगे। इससे लगभग 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा और इसमें करीब 12,000 करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष हमारी माता बहनों को तोहफे के रूप में जो 300 रुपए टारगेटेड सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी एक साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने करीब 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ भारत एआई कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। यह एआई प्रोग्राम जीपीयू आधारित सर्वर बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित है और इसके लिए इंडिया एआई सेंटर भी बनाए जाएंगे। एआई मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए की व्यय से एक बड़ा ही एम्बिशियस इंडिया एआई मिशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को और इसमें जो इनोवेशन जो शोध हो रहा है उसके पूरे इकोसिस्टम को और प्रोत्साहन देने के लिए 7 प्रमुख अंश पर ध्यान देते हुए एक इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है। कैबिनेट ने अपने अन्य फैसलों में कच्चे जूट पर 285 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, जिससे जूट की एमएसपी अब 5,335 रुपए हो जाएगी। इस वृद्धि से सबसे अधिक लाभ पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और पूर्वी इलाके के क्षेत्र के जूट किसानों को होगा। इसके अलावा सरकार ने पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के लिए उन्नत 2024 योजना को स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक इंडस्ट्री को प्रोत्साहन के रूप में केंद्र सरकार देगी। साथ ही कैबिनेट ने गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण देने के लिए एक नए विधेयक को लाने की मंजूरी दी है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि विकासशील देश में हम सबको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि समाधान का रास्ता हम सब बैठकर कैसे निकाल सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमेशा किसानों के मुद्दों के बारे में सोचते हैं और उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। इसी दिशा में सरकार ने जूट किसानों के लिए एमएसपी तय किया, जिससे उन्हें लाभ होने वाला है। केंद्र सरकार व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ काम करती है। प्रगतिशील राष्ट्र में हम सबको हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए कि समाधान का रास्ता हम बैठकर कैसे निकाल सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो समस्याएं स्वाभाविक रूप से जब भी उभरती है तो उसको सही समय पर चर्चा करके उसका निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस देश के किसानों की चिंता की है और किसानों के लिए क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है उसको लगातार सोचते रहते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में आने वाले 3 सालों में किसानों को मिलने वाली सारी बिजली सोलर पर ट्रांसफॉर्म कर दी जाएगी। फडणवीस ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसानों को जो बिजली दी जाती है उसमें करीब 9,000 में सोलर पर ट्रांजेक्शन करने के लिए आज लेटर ऑफ अवार्ड दिए हैं। रिवर्स बिल्डिंग पद्धति से 2.76 रुपए क्षेत्र से लेकर रुपए 3.10 इस रेट पर यह काम दिया गया है। साथ ही 9,000 मेगावाट का डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर जनरेशन एक साथ किया जाता है। ये एक प्रकार का रिकॉर्ड है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र का ये सोलर मॉडल है, इसको केंद्र सरकार ने काफी सराहा है। केंद्र सरकार ने इस मॉडल को बाकी राज्य में रिप्लिकेट करें और साथ ही इस प्रकार से पत्र भी बाकी राज्यों को भेजा है। किसानों के लिए दिए जाने वाले सौर ऊर्जा के कारण प्रदूषण भी बचेगा।
बड़े पैमाने पर पैसे की बचत होगी, क्रॉस सब्सिडी की बचत होगी। इसका जो भार उद्योग के ऊपर आता है उसको भी सुव्यवस्थित किया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि राज्य के बजट में से जो सब्सिडी देनी पड़ती थी वे भी नीचे जाएगी और सबसे बड़ी बात प्रदूषण बड़े पैमाने पर होगा। पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 57वां राजसदस्य बन गया है। पनामा ने गुरुवार को नई दिल्ली में संयुक्त सचिव आर्थिक कूटनीति अभिषेक सिंह के साथ भारत में पनामा के राजदूत यासिल बुरोलो की बैठक के दौरान आईएसए अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा। केंद्र सरकार हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस मिशन की सफलता पर बात करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सभी घरों में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराना बड़ी उपलब्धि है। इस मिशन ने हर घर जल की दिशा में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 75% का आंकड़ा पार कर लिया है। जल शक्ति मंत्री ने हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में अथक प्रयास के लिए सभी राज्यों और टीम जल जीवन मिशन को बधाई भी दी है। आगे बढ़ते हैं। फाइलेरिया या हाथी पांव नामक बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भारत सरकार ने कमर कस रखी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैली इस बीमारी से मुक्ति के लिए फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जा रही है, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले कई संस्थान इस काम में अपना सहयोग दे रहे हैं। सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के कार्यकर्ताओं ने भी फाइलेरिया मुक्त भारत का संकल्प लिया है। देखिए हमारे संवाददाता नवाजिश चौधरी की उन्नाव के बदरका गाँव से ये खास रिपोर्ट। हम अभी उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बदरका गांव में हैं, जहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइल एरिया या हाथी पांव बीमारी से प्रभावित हैं। भारत सरकार ने इसको ख़त्म करने के लिए कैंपेन चला रखी है, जिसके तहत घर घर जाकर दवाई खिलाई जाती है लोगों को ये भी बताया जाता है कि इससे आप अपना बचाव कैसा कर सकते हैं। गाँव को प्रेरित किया, ये फलेरिया बहुत असाध्य रोग है, इसका अपने गाँव को फलेरिया मुक्त कराने के लिए साथ में सबको सहयोग किया। सबसे पहले सर्वप्रथम तो हम ही ने दवा खाई, फिर सबको पब्लिक हमारी मासा बहुत थी, आंगनबाड़ियाँ थी, सब लोग के साथ में सबसे पहले दवा हमने खाई, फिर अपने गांव पब्लिक से जाके इनके साथ में सहयोग किया। हमने अपने भट्ठे बगल में गांव में ईंट भट्ठा है, वहाँ कम से कम 25 लोगों को हमने दवा 25 से 30 लोगों को दवा साथ में हमने खिलवाया। इन लोगों के साथ आशा बहुओं के साथ में जाके सबको सहयोग किया कि हमारा गाँव फैलेजा मुक्त हो। हमारे अंडर में जो टीम है, हमारी आशा बहू आंगनबाड़ी बहन जी, तो ये लोग जो दवा खिलाती हैं घर घर जाकर के, जहाँ पे इनकार का काम होता है सर, वहाँ जाके हम लोग देखते क्या रीज़न है कि क्यों नहीं खाई जा रही दवा। यदि एक बार फाइलेरिया हो गया तो कभी जीवन में ठीक नहीं हो सकता। बस ये है कि हर साल दवा खाते रहेंगे तो थोड़ा सा बचाव रहेगा। मरीजों को समझाते हैं और साफ़ सफाई के बारे में बताते हैं, घर के आसपास पानी न भरा रहने दें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें, साफ़ सफाई भी रखें और फलेरिया बचाव की दवाई खाएं। पहले जो फलेरिया बचाव की दवा है उसके खिलाने के सब घर में जाते हैं, और जो लोग नहीं खाते हैं उनको समझाते हैं कि देखिए उनको है तो उनको काफ़ी समय से ठीक नहीं हुआ है, तो सबको खानी है दवा। सबको खिलाते हैं, पहले स्वयं खाई, अपने पति को खिलाई, बच्चों को खिलाई, और सबसे कहते हैं एक जैसे पैरासीटामॉल की गोली होती उतना ही इसका है, और सब लोग खा लेते हैं दवा, समझाते हैं। 6-7-8 गोलियां खानी होती है, 3 DEC की हो गए आइबुप्रोफेन उसकी लेंथ के हिसाब से, और 1 अल्बेंडाजोल के। सरकार की योजना है इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का, उनका कार्यक्रम चल रहा है। जैसे आपने सुना उन्नाव के इस बदरका गांव में बहुत सारे पेशेंट्स भी हैं और बहुत सारे केसेस इस तरह के हैं जो लोग दवा खाने से मना कर देते हैं, लेकिन यहाँ की टीम बहुत मेहनत कर रही है और लोगों को दवा खाने के लिए राज़ी कर रही है, उन्हें मना रही है और लोग दवा खा रहे हैं, और इन लोगों ने एक अभियान छेड़ दिया है और एक संकल्प तय कर लिया है कि हमें अपने गाँव को, अपने एरिया को फाइल एरिया फ्री बनाना है। कैमरामैन आशुतोष के साथ नवादिश चौधरी, डीडी न्यूज, उन्नाव। भारत की हालिया घरेलू व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट देश के उपभोक्ताओं के व्यवहार में आए एक आशाजनक बदलाव की ओर इशारा कर रही है। एमके की रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य पदार्थों पर खर्च में बड़ी कमी आई है। इसका अर्थ यह है कि अन्य खर्चों के लिए उपलब्ध डिस्पोजेबल आय में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भोजन पर व्यय के अनुपात में गिरावट आई है, जो हाल के वर्षों में पहली बार 50% से नीचे आ गई है। ये गिरावट ग्रामीण और शहरी खर्च के बीच कम होते
अंतर के साथ ग्रामीण भारत में आर्थिक स्थिति में सुधार को दर्शाती है। कोविड महामारी के दौरान सटीक उपायों और नोटबंदी के बाद के सरकारी समर्थन ने इस स्थिति को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कड़े लॉकडाउन और आर्थिक उथल पुथल का सामना करने के बावजूद ग्रामीण समुदाय सरकारी नीतियों और पहलों से खुश हैं और इसके भरपूर लाभ से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच का आर्थिक अंतर भी कम हुआ है। ये आंकड़े न केवल निरंतर आर्थिक सुधार दर्शाते हैं बल्कि भारत में विकास के लिए एक सकारात्मक पथ की उम्मीद भी प्रदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो ये देखेगी कि क्या देश में राष्ट्रीय उद्यानों के बफर जोन या इससे बिल्कुल सटे इलाके में टाइगर सफारी बनाने की अनुमति दी जा सकती है। समिति की सिफारिश पहले से मौजूद सफारी पर भी लागू होंगी। जिम कॉर्बेट पार्क में सफारी बनाए जाने की प्रस्तावित योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये समिति गठित की है। सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट पार्क में सफारी बनाने की अनुमति दे दी है लेकिन साफ किया है कि समिति की सिफारिश इस पर भी लागू होगी। कोर्ट ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई की मंजूरी देने के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व IFS अधिकारी किशन चंद को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक ऐतिहासिक फैसले में डायरेक्शन दिया है कि जो भी कॉर्बेट में इल्लीगैलिटीज थी, जो भी कॉर्बेट में करप्शन था, वो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की साठगांठ के चलते हुआ। उसमें बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा और वो इलीगल फायदा था। इसी चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने अब डायरेक्शन दिया है कि जो CBI केस चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग होगी और सुप्रीम कोर्ट ने CBI को डायरेक्ट करा है कि आप एक तय वक्त के अंदर अंदर हमें अपनी इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करेंगे और ये बताएंगे कि आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करी। और मोदी सरकार में बीते 10 सालों में देश की डिजिटल ग्रोथ काफी ज्यादा हुई है। डिजिटल अभियान के चलते देश के गांव भी डिजिटल भारत का हिस्सा बनने लगे हैं। इसके चलते स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवा से जुड़े सरकार के कामकाज डिजिटल रूप से होने लगे हैं। वहीं जनता ने भी डिजिटल इंडिया अभियान का साथ दिया है और डिजिटल ट्रांजेक्शन में विश्वास जताया है। मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत विकसित भारत की तरफ लगातार कदम बढ़ाता जा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान ने इस कदम को और भी मजबूती प्रदान करने का काम किया है। डिजिटल इंडिया के जरिए भारत ने एक उदाहरण पेश किया है कि प्रौद्योगिकी का सही उपयोग मानवता के विकास के लिए कितना क्रांतिकारी साबित हो सकता है। आज भारत चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 में दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में UPI ट्रांजेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2023 में कुल UPI ट्रांजेक्शन की संख्या 100 अरब से भी ज्यादा रही। इनके जरिए 182 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। भारत की GDP में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था इसके कुल अर्थव्यवस्था का 10% है और 2020 से 26 तक इसके लगभग 20% तक पहुँचने की उम्मीद है। 2030 तक भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान 62% होने की उम्मीद है जो कि 2022 में 48% से अधिक है। पिछले 10 वर्षों में भारत का डिजिटल परिवर्तन अभूतपूर्व रहा है। ये सब 2015 में डिजिटल इंडिया पहल की शुरुआत के साथ शुरू हुआ। 2023 तक भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं। भारत ने शासन व्यवस्था को बदलने, इसे अधिक कुशल, समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। भारत का विशिष्ट डिजिटल पहचान मंच 1.3 अरब से भी अधिक लोगों को कवर कर रहा है। भारत वित्तीय समावेशन में क्रांति लाने के लिए जैम त्रिमूर्ति यानी जनधन बैंक खाते, आधार और मोबाइल की शक्ति का उपयोग किया है। सरकारी सहायता के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से लीकेज बंद हुआ है और इससे अगस्त 2023 तक $33 बिलियन की बचत हुई है। कोविन पोर्टल ने भारत के कोविड टीकाकरण अभियान का समर्थन किया। गतिशक्ति प्लेटफॉर्म हो या फिर ऑनलाइन सार्वजनिक खरीद मंच गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी लेकर आया है।
डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ई कॉमर्स का लोकतांत्रिकरण हो रहा है। पूरी तरह से डिजिटलीकृत कराधान प्रणालियां पारदर्शिता और ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया अभियान भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में बदलने में एक अहम भूमिका निभाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में सुस्ती का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एक मार्केट के मुताबिक राजस्थान के उदयपुर मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 6 मार्च को सरसों 5,400 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 7 मार्च को 400 रुपए गिरकर भाव 5,000 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान के लालसोट मंडी में भी नरमी के साथ सौदे हुए। यहां 6 मार्च को सरसों का भाव 5,071 रुपए था, 7 मार्च को इसमें 31 रुपए की कमजोरी आई और भाव 5,040 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 20 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहां 6 मार्च को सरसों का भाव 4,770 रुपए था, जो 7 मार्च को 4,750 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडी में बीते दो दिन यानी 6 और 7 मार्च को सरसों का भाव 5,460 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान 126,96,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की उपज 365,99,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 47,56,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। कर्नाटक में उड़द की बुवाई करें, किसान अरहर की कटाई कर लें, यहीं मूंग की बुवाई करने का समय सही है। साथ ही काबुली चने की कटाई कर सकते हैं। अभी बीन की तुड़ाई करें, कर्नाटक में कुसुम की तुड़ाई करते रहें। वहीं किसान गन्ने की कटाई कर लें, इस समय बैंगन में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। यहां टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। कर्नाटक में मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है, किसान गेहूं की कटाई कर लें। केरल में धान की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ तेल की खेती के लिए खेत तैयार करें। किसान लोबिया की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। इस समय नारियल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। नारियल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। केरल में केले के खेत में सिंचाई करते रहें। केले की रोपाई करने का समय उपयुक्त है। अभी काली मिर्च में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में काली मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर लें। केरल में अदरक की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान हल्दी की बुवाई करते रहें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंची, जहां कलर्स प्रेजेंटेशन 2024 का आयोजन किया गया। एयरफोर्स के जवानों ने उन्हें परेड कर सलामी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने न केवल हमारे हवाई क्षेत्र की रक्षा में बल्कि अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी बड़ा योगदान दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अपने मंत्र के अनुरूप गुरुवार को 15,000 करोड़ रुपए की AMCA परियोजना या उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान को मंजूरी दी है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को 15 मार्च को पेश होने और गवाही देने को कहा है। इससे पहले भी आयोग के समक्ष उपस्थित होने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को एनसीबीसी 5 बार नोटिस दे चुकी है, लेकिन एक भी बार वे आयोग के सामने उपस्थित नहीं हुए। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर कोलकाता और उसके आसपास 8 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। छापे मुख्यतः पूर्व शिक्षा मंत्री और अब जेल में बंद पार्थ चटर्जी और बिचौलिए प्रसन्न राय से संबंधित विभिन्न व्यवसायी व्यक्तियों के आवासों पर मारे गए हैं। भारतीय वायुसेना की विमान C-295 ने आज अपने हवाई अड्डे पर अपनी पहली लैंडिंग की। ऐसा एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान किया गया। अंदरूनी इलाकों से उड़ान भरने के बाद अब सुदूर जगहों पर उतारने का फैसला लिया गया। सीपीआई नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के कुछ चर्चित चेहरों के बीजेपी में शामिल होने के मद्देनजर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि कांग्रेस के नेता सत्ता में आने पर उसके साथ बने रहेंगे और बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने देश के बड़े सरकारी बैंक यूको बैंक के 62 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी आईएमपीएस के जरिए 850 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेनदेन से जुड़ी है। सीबीआई ने एक बड़े मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ये रैकेट विदेश में नौकरी दिलवाने की आड़ में भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में ले जाता था। सीबीआई ने तलाशी के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया है। महाशिवरात्रि के अवसर पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सभी ने इस मंगलमय वातावरण का भरपूर आनंद उठाया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैश्यम ने कहा कि मोबाइल फोन निर्यात बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के 15 लाख अवसर पैदा होंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है, जिनकी संख्या बढ़कर 25 लाख पहुंचने की उम्मीद है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार। लोहा सिंह।